समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर आज प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर महिला घेरा के तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी के तहत जनपद संभल के जिला मुख्यालय बेजोई पर स्थित जिला पंचायत के कार्यालय के पास समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भारत कोकिला सरोजिनी नायडू की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें चंदौसी विधानसभा से सपा की युवा नेत्री मोनी कुमारी, असमोली विधायक पिंकी यादव, चंदौसी की पूर्व विधायक लक्ष्मी गौतम सहित काफी महिलाएं उपस्थित रहीं। इस विषय में चंदौसी से सपा की युवा नेत्री मोनी कुमारी ने कहा कि इस भाजपा सरकार में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर आज प्रदेश भर में महिला घेरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम किया गया है, महिलाएं जागरूक होंगी, ना सिर्फ राजनीति बल्कि हर एक क्षेत्र में हमें अपना अधिकार चाहिए। और मैं मांग करती हूँ सरकार से कि 33% की बात तो कहते हैं पर 33% आधी आबादी जो है इस देश की, उसको पूरी तरीके से अधिक न सिर्फ 33 बल्कि उससे ज़्यादा प्रतिशत जो है उन्हें आरक्षण देना चाहिए, जिससे महिलाएं बढ़ चढ़ करके, और महिलाओं में वो दमखम है क्योंकि वो घर और बाहर दोनों को चलाने में सक्षम है। और इसी ऐसी तमाम उदाहरण है, बहुत सी ऐसी राज्यपाल, बहुत से ऐसे मुख्यमंत्री, बहुत हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक महिला हुई हैं। तो महिलाओं में वो दमखम है और महिलाओं को जागरूक करके हम जन जन तक समाजवादी पार्टी की नीतियों को और महिलाओं को जागरूकता के साथ उनके अधिकारों को दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। प्रदेश में अब तक क्या कारण है कि महिलाओं को सुरक्षा को लेकर कोई कानून नहीं बनाया गया, इस पर आपका क्या कहना है? मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है पूरी तरह से महिलाओं की बात तो करती है कि हम महिलाओं के हितों में काम करेंगे, पर महिलाओं की अनदेखी हो रही है। अगर कहीं पर भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने ठोस कदम उठाए होते तो निश्चित तौर पर जो ये घटनाएं आम दिन रोज अखबार खोलने पर सबसे पहले महिलाओं के उत्पीड़न की वारदातें ऐसी तमाम मिलती हैं, चाहे हाथरस की बात हो, चाहे कन्नौज की बात हो, चाहे बदायूं की बात हो, चाहे अलीगढ़ की बात हो, तमाम हमारी बहन बेटियों के साथ जो घटनाएं घटती हैं कि आज अभिभावक अपने परिवार से जब बेटी को घर से दूर भेजते हैं पढ़ने के लिए भी, तो एक डर महसूस करते हैं, एक डर का माहौल इस उत्तर प्रदेश में है। और सरकार को इस पर काम करना चाहिए, पर सरकार महिलाओं की अनदेखी कर रही है। 2021 में यदि समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता में आती है तो क्या पहल रहेगी आपकी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? हमारी समाजवादी पार्टी ने जिस समय पूर्व में भी सरकार में थी तब भी महिलाओं के लिए 10, 90, 102, 181 जैसी सुविधाएं दी थी। और जो हमारी बेटियां जो कहीं अपनी बात को कह भी नहीं सकती थी, उन बातों को गुप्त रखकर भी उनकी समस्याओं का निदान करने का काम किया। महिलाओं के लिए समाजवादी पार्टी ने राजनीति के भी क्षेत्र में अधिक से अधिक टिकटें दीं, जिसकी वजह से महिलाएं चुनकर आएँ, आगे बढ़ें, ना सिर्फ प्रधान ग्राम पंचायत से लेकर ऊपर तक की सीटों तक भी महिलाओं को बढ़ावा दिया गया। और जब सरकार बनेगी तो हमारे माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी और साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी ने महिलाओं का हमेशा सम्मान किया है और महिलाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज देखिए सरोजिनी नायडू जी की जयंती है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर हम लोगों ने जो सरोजिनी जी की जयंती मना रहे हैं, महिला घेरा के रूप में हम लोग मना रहे हैं इसके लिए, क्योंकि हमारे महिलाओं के ऊपर आज दिन अत्याचार हो रहा है, उसी लिए हमने, क्योंकि महिलाओं को इकट्ठा किया है और आप सब महिलाओं की तादाद देख ही रहे हैं कि हमारे साथ में कितनी महिलाएं हैं। और अब महिला जागरूक हो गई हैं, समझदार हो गई हैं, क्योंकि अब वो बिल्कुल भी अत्याचार नहीं सहेंगे, क्योंकि ये बीजेपी सरकार में महिलाओं के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार होता है, उन्हें बहुत तंग किया जाता है और हमारी महिलाएँ बहुत ही ज़्यादा करके परेशान हैं। और अब ये जो महिला हैं जागरूक हो गई हैं, किस तरीके से वोट के माध्यम से ये बीजेपी सरकार को हमारी महिला और हमारे